सो भाई लोग, मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है पंसेमल बरवानी। पंसेमल बरवानी, आज तक अभी तक मैंने इस जगह का नाम नहीं सुना था। आप में से जो भी इस जगह के आसपास रहता है, कमेंट करके बताओ ये पंसेमल बरवानी किस एरिया में लोकेटेड है। प्लीज कमेंट करके बताओ, आई वांट टू नो। तो वहां सही है, हमारे पास ऑर्डर आया है मिस्टर जयेश मोए का। सो व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? आपका भाई शादाब खान, वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले। सो आज ये जहां का ऑर्डर आया था मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक। उसके बाद ये पीसी की कॉस्टिंग है, सिर्फ पीसी जिसमें कोई शिपिंग, कोई कोरियर, कोई इंश्योरेंस, कोई मॉनिटर, कोई कीबोर्ड माउस ऐड नहीं है। इन सबको ऐड करके लगभग जाएगा इसका पीसी 80-85-90 के आसपास। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ सीपीयू की कॉस्टिंग है इनकी 68,000 के आसपास। बहुत लाजवाब पीसी है, मतलब फुल एचडी गेमिंग आप हाई सेटिंग पे इस पर कर सकते हो, ऐसा पीसी है। प्लीज वीडियो को देखना आप लोग, पूरा जरूर देखना, सीरियसली बता दूंगा आपको। और आप भी कोई इस तरह कोई नया पीसी बाय करना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे दो नंबर आ जाएंगे, दोनों में से किसी भी हमको कॉल कर लेना और व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा आप हमारे पास फिजिकल आकर यहाँ पीसी देख सकते हो, लखनऊ में हमारा स्टोर अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं पीसी के कंपोनेंट से, दिखाते हैं आपको इसके कंपोनेंट्स। सो भाई लोग, ये रही कैबिनेट जो कि हम लोगों ने इसके बिल्ड में यूज की है। ये कैबिनेट है हमारी सर्किल की X5 व्हाइट कलर की कैबिनेट है। टफ एंड ग्लास आपको इसमें फ्रंट में मिलता है, टफ एंड या कच्चा शीशा है। प्लस 3 ARGB फैन मिलते हैं और फैन वाले हैं, जैसे आपके हेलो के फैन आते हैं जिसमें साइड में रिंग्स मिलते हैं, ये वो वाले फैन आपको इसमें मिल जाते हैं। ये देखिए साइड में कॉर्नर पर इसमें रिंग बने हुए हैं, तो ये होगा फैन। उसके अलावा एक फैन आपको इसमें मिल जाता है पीछे की तरफ, मतलब A3 आगे एक पीछे, टोटल 4 फैन मिलते हैं। बेस में आपको 2 फैन लगाने का ऑप्शन मिल जाता है और फुल ATX मदरबोर्ड आप इसमें इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करें कलर ऑप्शंस की, तो टोटल 2 कलर में आती है, एक व्हाइट में आती है और एक आती है ब्लैक कलर में, ठीक। 2 कलर में आपको एक कैबिनेट मिल जाएगी। आइए दिखाते हैं आपको इसके और कंपोनेंट। तो भाई उसके बाद जो इसमें हमने पावर सप्लाई लगाई है, वो लगाई है थर्मलटेक की 650 वॉट 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड की पावर सप्लाई है। ये देख लीजिए आपके सामने दिख रही है 80+ ब्रॉन्ज, मेन आपके जापानीज कैपेसिटर पे आती है और 5 ईयर्स की वारंटी आती है आपको इस पावर सप्लाई के साथ में मिलती है, ठीक भाई। तो ये हो गई हमारी पावर सप्लाई जो कि हमने इस बिल्ड में यूज की है। बगने कॉस्टिंग की तो रफली 5000 के आसपास इसका प्राइस आता है। सो भाई लोग, ये रही हमारी पावर सप्लाई का सीरियल नंबर आपके सामने। आइए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसमें हमको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप सील खोलोगे, एक पन्नी मिलती है, पन्नी हमने खोली, यहाँ पर पन्नी खोल के ये खोले बॉक्स, ये मिलने में कुछ पेपर और ये रहा हमारा पावर केबल जो कि हमको मिलता है थर्मलटेक 650 वॉट की SMPS के साथ। और ये रही हमारी इंडिविजुअल SMPS जो कि एक रैप में है, पूरी बॉक्स में पैक है। ये देख लीजिए बिल्ड क्वालिटी वाला SMPS बहुत अच्छी है, केबल की क्वालिटी अच्छी है और अच्छी हो सकती थी, एज वेल एज आप बोलो सप्लाई की क्वालिटी हुई बहुत शानदार है। उसके बाद जो उसने मदरबोर्ड में यूज़ किया, वो यूज़ किया गीगाबाइट का B550M DS3H AC। AC मतलब गीगाबाइट में, के जिस मदरबोर्ड में AC लगा हो आप समझ लीजिए, AC का मतलब होता है आपका वाईफाई वाला मदरबोर्ड। तो ये B550 सीरीज का वाईफाई मदरबोर्ड हमने इसमें यूज़ किया। सो भाई ये रहा इसका सीरियल नंबर, देखिए आपकी स्क्रीन पे, और ये रही आप इसकी सील, ठीक है, सील लगी हुई है। आइए इसकी सील को करते हैं हम लोग ब्रेक। तो ये सील इसकी ब्रेक की हम लोग ने, सील ब्रेक करने के बाद ये देखिए हमको मिलता क्या क्या इसमें। एक तो हमें इंडिविजुअल मिल गया मदरबोर्ड, ये मिल गया इसके एंटेना 2 मिल जाते हैं और साथ साथ एक साटा केबल मिलती है, काफ़ी सारी एसेसरीज हमको इसमें मिल जाती है। साटा केबल 2 मिलती हैं साथ में हमें, ठीक। उसके अलावा ये मिल जाती है आईओ शीट इसमें लग के नहीं आती है। और ये रहा मदरबोर्ड हमारा, 4 RAM स्लॉट पे है, 2 आपको मिल जाते हैं देख लीजिए इसमें PCI के स्लॉट, 2 मिलते हैं ATI के स्लॉट और ये हो गया CPU का स्लॉट। अच्छा मदरबोर्ड है, बजट के हिसाब से अच्छा है, परफॉर्मेंस बढ़िया देता है, आप इसको पिक कर सकते हो अंडर 1 लाख के आसपास। ये रहा इसका पोर्ट्स, 4 आपको मिल जाते हैं 3.0, 4 मिलते हैं 2.0 HDMI केबल, सब कुछ आप इसमें लगा सकते हो। उसके बाद जो इसमें प्रोसेसर लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं AMD Ryzen 5 5555 सा प्रोसेसर है जो आता है 6 कोर और 12 थ्रेड पे। अब देखो आप में से कई लोग बोलोगे शायद भाई 68,000 का PC है, 5500 प्रोसेसर आप लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, 5500 प्रोसेसर क्यों लगाया है? इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा, रुक रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो भाई ये रहा इसका सील नंबर AMD Ryzen 5 5500, ये रही इसकी सील आपके सामने। तो सील जब हम लोग ब्रेक करते हैं इसकी, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। इसमें हमको मिलता है कुछ नहीं यार, एक सिंपल CPU मिलता है, प्रोसेसर जिसे हम लोग कहते हैं, और उसके अलावा मिलता है एक स्टॉक कूलर एयर प्रोसेसर आपके Ryzen 5 के टैग के साथ, स्टिकर के साथ में एक ट्रांसपेरेंट से मिलता है केसिंग के साथ, और ये मिलता है हमको साथ में इसका CPU कूलर। देख लीजिए
है, AMD का है, थर्मल पेस्ट कंपनी हमको इसमें लगा के देती है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी हीट सिंक मिल जाती है, बढ़िया एक कूलर है, बहुत टाइम से आ रहा है स्टॉक कूलर, थर्मल पेस्ट धीरे के लगा हुआ है इसमें, काफ़ी टाइम से कंपनी दे रही है। इसके बाद जो हमने इसमें रैम लगाई है वो लगाई है आपके जी स्किल की रिपजॉ 8x2 3200 MHz की, 2 स्टिक लगाई है, टोटल 16 GB की रैम। सो भाई ये रही हमारी रैम, देखिए जी स्किल की रिपजॉ 8x2 32 MHz की रैम, तो रैम यूज़ की हम लोग ने 3200 MHz की, जी रहा सीरियल नंबर आपके सामने। बिल्ड क्वालिटी मुझे नहीं लगता है non-RGB रैम में इससे बेस्ट किसी की होती होगी, जी स्किल रिपजॉ DDR4 8GB 3200 MHz आउटस्टैंडिंग बिल्ड क्वालिटी एंड आउटस्टैंडिंग रैम। अब देखिए प्राइमरी स्टोरेज भी हमने लगाया है इसमें किंगस्टन की NV2 की 1TB Gen 3 NVMe जिसकी रीड स्पीड है अप टू 3500 MBPS। तो आइए करते हैं इसको अनबॉक्स, ये हमने इसकी सील को कर दिया ब्रेक यहाँ से, ये निकाली हमने यहाँ से NVMe, बहुत इजी निकल आती है, बहुत इजी है इसको अनबॉक्स करना, मतलब काटना होता है सील। ये रही NVMe, सीरियल नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देख लेना बॉस, ये रहा आपका सीरियल नंबर, कैसे लगे NVMe आप कमेंट करके बताओ, चेक करते हैं इसकी स्पीड। अब आपको समझ में आएगा कि इस पीसी की कॉस्टिंग 68,000 क्यों आ रही है, इसमें ग्राफिक कार्ड लगा है गीगाबाइट का G4 RTX 4060 Eagle OC 8GB का DDR5/6 बेस्ड, ये देख लीजिए ग्राफिक कार्ड हमारा लगा है जो कि आता है ट्रिपल फैन के साथ। अब आपको समझ में आया कि इस पीसी की कॉस्टिंग इतनी हाई क्यों जा रही थी, इसलिए जा रही थी। सुबह ये रहा इसका सीरियल नंबर, ठीक है, आप जल्दी इसके करते हैं सील ब्रेक को, सील लेके लगी हुई है प्रॉपर, दोनों साइड से आप चेक कर सकते हैं, और इसकी सील ब्रेक करते हैं, देखते हैं कि अंदर हमको क्या क्या मिलता है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड 4060 भाई साहब, आप ये सोचो इतने कम बजट का पीसी है उसमें आपको एक 4060 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, विच इज़ एक्सीलेंट। बॉक्स खोलते हैं, हमको ये कुछ सपोर्टिव क्वेश्चन पेपर वर्क मिलते हैं, ये मिलता है ग्राफिक कार्ड, इसमें ऑलरेडी हमको 3 सील और लगी होती हैं अंदर की तरफ, तो तीनों सील मुझे करनी पड़ती हैं अनसील्ड, मतलब अनबॉक्स करना पड़ता है, सील भी करनी पड़ती है। तो ये निकाला, ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड, 3 फैन आता है, ट्रिपल फैन, लॉन्ग साइज का ग्राफिक कार्ड है, अच्छा है, ईगल वर्जन है, बैकलाइट रखी कंपनी ने हमको बहुत ही अच्छी, सबसे मेन बात आप ये देख लो ईगल का लिखा हुआ है लोगो, और यहाँ पे सेल नंबर आपको दिया गया है, 4 आपको मिल जाते हैं आईओ पोर्ट्स, 3 डिस्प्ले पोर्ट, 1 मिलता है HDMI, कौन सा कमेंट में लिखो, कौन सा HDMI पोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, ठीक भाई। लोग पीसी अपना कंप्यूटर जो का एबडा कितना काम हो गया आप ये देख लीजिए, ये रहा पीसी और ये देखिए फुल बिल्ड कर दिया हम लोगों ने, फुल अपनी तरफ से सारा काम कंप्लीट कर दिया है, ये देख लीजिए ज़बरदस्त A to Z सारा काम इसमें हो चुका है हमारा कंप्लीट, ठीक। और उसके अलावा ये रहा देखिए इसका केबल मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा केबल मैनेजमेंट आया है, बहुत साफ सुथरा एकदम क्लीन लुक में इसका केबल मैनेजमेंट आया, ठीक भाई। अब इसको हम विंडो सॉफ्टवेयर करते हैं और सब कुछ ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, केबल लगाते हैं और आपको इसको हम दिखाते हैं। सो भाई लुक, ये रही हमारी मशीन, तो अब हम लोग इसको करते हैं पावर ऑन, सो 3, 2, 1, go। तो ये देख लिए हमने इसको ऑन कर दिया है एंड लुक वाइज तो खैर बहुत अच्छी मशीन आ रही है, पन्नी लगी हुई है, ये हमने इसकी प्रोटेक्टेड फिल्म को कर दिया है रिमूव, तो ये देख लीजिए ये ट्रांसपेरेंट है पूरा, ये पूरा ग्लास है, और पता नहीं आपको कैसा वीडियो में समझ में आ रहा होगा बट इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि मैं इसके सामने खड़ा हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये इसके शीशा लगा हुआ है, जब मैं उंगली लगा रहा हूँ तो ये लग रहा है कि मतलब दिल कर रहा है कि उसको टच करें, बट टच करने के बाद मालूम पड़ रहा है कि नहीं सामने इसकी ग्लास लगा है। तो ये 3 फैन देखिए फ्रंट में दे रखे हैं प्लस 1 फैन हमको यहाँ पर दे रखा है पीछे की साइड, और कुछ RGB नहीं है, तो जो RGB है वो ये है आपके सामने। अब आप इसके RGB को चेंज भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से हमने लगाया, ये देखिए RGB चेंज हुई,
ये तो खैर, ये देखिए दूसरा इफेक्ट ARGB का शुरू हुआ, जो RGB चल रही है ये दूसरा इफेक्ट है। ये देखिए यहाँ पे इसमें दे रखा है इन्होंने तीसरा इफेक्ट, ये सिंगल कलर पे देखिए, सिंगल रेड कलर पे कैसा लग रहा है PC, ये भी आप देख लीजिए सिंगल रेड कलर है। उसके बाद ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये येलो है, ये पर्पल हो गया, उसके अलावा ये सी ग्रीन हो गया, और ये वाइट, एंड वाइट में तो क्या ज़बरदस्त लुक आ रहा है, अल्टीमेट ज़बरदस्त लुक आ रहा है वाइट में, देख के मज़ा आ जाए। देखिए आप शानदार लुक आ रहा है, बहुत अच्छा लुक आया वाइट में, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कैबिनेट आई हैव एवर सीन इन दिस बजट। देखिए मल्टीपल आप इसको चेंज करते जाइए, आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देख लीजिए ये प्रॉपर आपकी ARGB पे आ गई है। लाइट ऑन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैबिनेट दिखने में कैसी लग रही है। सो भाई लोग देखिए हमने लाइट्स को ऑन कर दिया है, लाइट्स ऑन होने के बाद अभी ये कैबिनेट कैसी लग रही है, अभी भी वैसी लग रही है, कोई ऐसा इशू नहीं आया, क्योंकि जो लुक है ना कैबिनेट का वो बहुत शानदार है, RGB के कलर्स बहुत अच्छे हैं। ये देख लीजिए बहुत शानदार लुक पे कैबिनेट है, मज़ा आ जाए देख के। तो आइए शुरू करते हैं अब हम लोग इसके बेंचमार्क। तो भाई लोग कैसा लगा PC कमेंट करके बताना। बेंचमार्क आपने देखे 4060 ग्राफिक कार्ड, एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो बवाल है भाई साहब, ये ग्राफिक कार्ड नहीं है, ये बवाल आत्मा है, बवाल आत्मा अल्टीमेट परफॉर्मेंस देता है ग्राफिक कार्ड। को नया PC बाय करना है इस तरह का, आप स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, दोनों में से किसी में भी आप हमको कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आप लोग आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, एज ऑलवेज मुस्कुरा रहिए, खुशी से सेफ रहिए, ऐसी खुशी बनाए कि जल्दी मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।